हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स अकादमी पे। दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो वीडियो सेशन होने वाला है इसमें मैं पढ़ाने वाला कुछ नहीं हूं, बस हाँ ये चैप्टर को आप कितने जल्दी खत्म कर सकते हो, कम टाइम में आप कैसे खत्म कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, उस चीज के बारे में बताने वाला हूं। तो कौन सी चीज आपको लर्न कर लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू है, अभी आज आपके 7:30 बजे आपको OCM के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट जाके 7:30 बजे वीडियो चेकआउट कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलो फटाफट चेक करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर बात करो तो यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी का आपको मीनिंग आपको आना चाहिए, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। क्या है एक कैपेसिटी, किसकी, एक कमोडिटी की, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब यहाँ पे आप देखोगे ना आपको सिमिलैरिटी दी, क्या कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट। फिर यहाँ पे अगर बात करूं आपको कंसेप्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पे कंसेप्ट दिख रहा है और यहाँ पे कंसेप्ट कर, तीन कंसेप्ट है। कितने कंसेप्ट है, तीन। पहला रिलेटिव कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट और एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। कितने, रिलेटिव, सब्जेक्टिव और एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तो पहला याद करो कंसेप्ट, फिर उसके बाद देखो डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स फ्रॉम है कि नहीं है। फिर क्या यूजफुलनेस, प्लेजर और सेटिस्फेक्शन, कितने डिफर्स फ्रॉम है। पहला क्या कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट और एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। फिर क्या आता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, कैसे यूजफुलनेस, प्लेजर और आपका क्या है सेटिस्फेक्शन। हो गए कितने पॉइंट्स, हो गए 6 पॉइंट्स हो गए। देखो ट्रिक है, इस तरह से लर्न करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, अब देखो इज इज दिख रहा है, इज इज, तो क्या याद करोगे, देखो अब यहाँ पे यूटिलिटीज मल्टीपर्पज, यूटिलिटीज मल्टीपर्पज और फिर क्या लिख सकते हो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। पहला तीन क्या याद किया था, रिलेटिव, सब्जेक्ट, एथिकली न्यूट्रल। फिर क्या था डिफर्स फ्रॉम, आपका किससे डिफर्स करता है, आपके यूजफुलनेस, सेटिस्फेक्शन और प्रेजर से, ठीक है। फिर क्या था आपका, अब ये इज इज है तो मल्टीपर्पज और हाइपोथेटिकल हो गया, क्लियर होगा। तो देखो आपके 8 पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड आपके एग्जाम के लिए करवा दिया। तो साथ ही साथ इससे ये भी याद कर सकते हो, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, क्लियर, डन हो गया। ये आप इस तरह से इजिली लर्न कर सकते हो। फिर क्या आता है फॉर्म, प्लेस, सर्विस। अब देखो क्या दिया है, फॉर्म है, सर्विस है और नॉलेज है। तो याद कर लो फॉर्म है, ठीक है, किसके आया फॉर्म, सर्विस से आया, ठीक है। फिर क्या है आपका नॉलेज, नॉलेज, फॉर्म, सर्विस और नॉलेज, फॉर्म, प्लेस, सर्विस। याद करो फॉर्म, प्लेस, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, क्या FPS यानी फॉर्म, प्लेस, सर्विस, क्लियर हो गया। फॉर्म यूटिलिटी है, सर्विस यूटिलिटी है और यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, आपका प्लेस यूटिलिटी भी है, ठीक है। फॉर्म, फॉर्म यूटिलिटी, फिर उसके बाद प्लेस यूटिलिटी और फिर सर्विस यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, सर्विस हो गया। तो याद करो क्या, नॉलेज, आपका पोजिशन और टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन, टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन, टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन, टाइम। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तीन चार बार बोलो देखो आराम से याद होगा, क्लियर होगा। फिर क्या होता है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब नाम में टोटल, टोटल को हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं। तो क्या ये लिखोगे, ऐसी कोई भी यूटिलिटी जो क्या आपकी डिराइव होती है, ऐसी कोई भी जो यूटिलिटी जो क्या डिराइव होती है आपके, आपके क्या एक एक जो यूनिट होता है किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूम करने के बाद। अब जब आप किसी भी प्रोडक्ट का जो जितना भी यूनिट होता है आप कंज्यूम करने के बाद आपको जो एग्रीगेट यूटिलिटी बोलती है उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं, जब हम एक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट, एक बिस्किट खाने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। तो एक और खाया, एक और मिली यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। फिर एक और खाया, एक और मिली, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। इतनी चीजें क्लियर है, अब आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अभी देखो पीसी बंद होने वाला था लेकिन बंद नहीं हुआ, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, आपका है यूटिलिटी शेड्यूल आता है, ठीक है, इजी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, तो लिखो 10 18 24 28 30, चलो ये छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। अब 2 का टेबल आता है तो उल्टा है, 10 से चालू, 10 के बाद पहले क्या आता है 8 फिर 6 4 2, फिर क्या आया 0 है, फिर वापस माइनस करोगे तो क्या 2 आ गया, 10 में से 2 माइनस कर देगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब 10 + 8 कितना हो गया, पहले 10 सेम हो गया, 10 + कितना हो गया 18 हो गया, 18 + 6 24 होता है, 24 + 4 18 28 होता है, 28 + 2 30 होता है, 30 + 0 30 होगा, 30 - 2 कितना हो गया 28 हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर बात करूं तो ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। आपका एक्स एक्सिस क्या आपका डिनोट कर रहा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ लिख दोगे कि वाई एक्सिस इंडिकेट्स टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स एक्सिस इंडिकेट्स यूनिट ऑफ कमोडिटी, यही चीज लिखा है। देखो टीयू कर्व टोटल, सॉरी यहाँ पे एक्स एक्सिस मेजर द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, वाई एक्सिस इंडिकेट्स द फिगर ऑफ मार्जिन, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर हो गया। अब
टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम लोग क्या पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे तो सेम यूनिट पे, ठीक है, देखो एक ही पे, जैसे जैसे अब यूनिट्स हमने बढ़ाते गए टोटल यूटिलिटी ऊपर जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या जो नीचे जा रहा है, यही चीज लिखा हुआ है, रीड करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अब ऊपर जा रहा है। अब एक पॉइंट पहुंचने के बाद टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है आपका, ये स्टेबल हो जाता है, सही बात है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सॉरी, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब फिर टोटल यूटिलिटी एक टाइम पे आता है तो कहां पे मिल जाता है, जहां पे उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या पूरी मिल जाती है, तो वहां पे इस पॉइंट को जहां पे टीयू और एमयू क्या हो जाता है मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरिटी बोलेंगे, क्लियर हो गया, ये चीज लिखी है, देखो यही चीज लिखा है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है आपका, बढ़ता है किस पे, डिमिनिशिंग रेट पे, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है। अब जब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है अपने मैक्सिमम में पहुंच जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी का जीरो पे पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरिटी। फिर टोटल यूटिलिटी क्या करने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, यही चीज लिखी है आपके, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी जो नॉर्मल बंदा होगा वो क्या करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा, यही चीज आपको क्या सेंटेंस में लिखनी है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं लॉ पे, ये जो लॉ था किसने इंडिकेट किया था, प्रोफेसर गॉजन ने किया था, ये याद करो। फिर उसके बाद डिस्कस किसने किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, उनकी बुक कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई था ईयर 1890 में, इतनी चीजें क्लियर है। अब ये लिख लिया, अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अब याद नहीं होता तो कैसे याद रखना, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्सेप्ट, ये आपको हर एक लॉ में देखने मिल जाएगा, ये याद करो। फिर द एडिशनल बेनिफिट, ठीक है, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, इतना याद करो, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स किससे, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ थिंग, क्या, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ थिंग्स, क्लियर हो गया। डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज, क्या, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, अब जैसे जैसे मैं तोड़ के पढ़ा वैसे आपको तोड़ के पढ़ना है, क्लियर हो गया। तो देखो द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, इतना पहला से याद करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा यार मुझे, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक, क्या, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ थिंग, इतना याद किया। फिर डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज, ये याद करूंगा, फिर इन स्टॉक ऑफ थिंग दैट ही ऑलरेडी हैज, तो यही लॉ को क्या किया गया, फिर एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे अजम्पशन की बात करो तो अजम्पशन को कैसे याद करोगे, देखो आपको कॉमन चीज देखनी है, रैशनलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, 80-80 दिख रहा है तो याद करो, चार 80 है, रैशनलिटी, फिर उसके बाद क्या आपका होमोजेनिटी, फिर उसके बाद क्या रीजनेबिलिटी और आपका कंटिन्यूटी, क्लियर हो गया। फिर देखो डिविजिबिलिटी भी है, कितने पांच हो गए, कितने हो गए पांच, डिविजिबिलिटी, रीजनेबिलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी और रैशनलिटी, ऐसे ईटीटी आपके पांच पॉइंट इधर ही खत्म हो गया। फिर क्या हो गया, फिर अलग क्या है, कॉन्स्टेंसी अलग है, सिंगल वॉन्ट अलग है और कार्डिनल मेजरमेंट अलग है, क्लियर हो गया। पांच देखो अभी बताता हूं मैं, क्या है आपका होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, रैशनलिटी, ये पांच हो गया। अब अलग क्या है, कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट और सिंगल वॉन्ट, हो गया आठ पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से लर्न करो। फिर उसके बाद क्या है, सेम चीज यहाँ पे कर्व बनाना रहेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, फिर उसके बाद अब 10 है, 10 में से 2 माइनस करते जाओ, फिर 7 तक हो गया आपका। अब सेम चीज को ग्राफ में डालना है, वाई क्या इंडिकेट कर रहा है, एमयू इंडिकेट कर रहा है, आपका एक्स क्या इंडिकेट कर, यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी, पहला पॉइंट तो आपका यही आ गया भाई, क्लियर हो गया। देखो यही चीज लिखा हुआ है, बन गया। अब एमयू कब, देखो यहाँ एमयू है, एमयू कब कहा जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कहा स्लोप कर रहा है, कौन सा स्लोप कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, कौन सा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, क्लियर हो गया। अब ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट है, ये कौन सा है, राइट है। अब एमयू कब स्टार्ट कहा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा है, नीचे कौन सी तरफ है, राइट के, तो अब स्लोप कहा लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो वही चीज आपको लिख देनी है। देखो यहाँ पे भी वही चीज लिखा है, ठीक है, कहाँ पे गया भाई, हाँ ये देखो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, गोज ऑन डिमिनिशिंग, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद जो एक्स है, अब आपका ये जो मार्जिनल यूटिलिटी, अब क्या किस में चेंज हो जाता है, डिस यूटिलिटी में चेंज हो जाता है, इसी को चीज को लिखना है, खत्म। अजम्पशन लर्न करा दिया, ग्राफ करवा दिया, आप एक्सेप्शन पे आते हैं। अब एक्सेप्शन पे क्या होता है, हॉबीज, मेरी हॉबी क्या मालूम है, जुआ खेलना, क्या है, जुआ खेलना, जुआ खेलने खेलते मैं नशा भी करता हूं, उसको एडिक्शन बोलता हूं, पहला मेरी हॉबी क्या है, हॉबीज लिख दूंगा। फिर क्या, मेरा जुआ खेलना क्या है, मेरा जुआ खेलना क्या है, खेलना 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 क्या है, जुआ खेलना मतलब क्या हो गया, ठीक है, जुआ खेल मेरा हॉबी क्या है, जुआ खेलना। फिर एडिक्शन है मुझे, क्या एडिक्शन है, जुआ खेलते खेलते, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा पावर बहुत आ जाता है, क्या जाता है, पावर हो जाता है, और मेरी मनी क्या हो जाती है, चली जाती है, ठीक है, जो जो उसमें मेरी मनी चली जाती है, पहले हॉबी है, ठीक है, क्या है, जुआ खेलना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, मेरा एडिक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे जुआ खेलना है, फिर एडिक्शन है मुझे, ठीक है, दारू पीने का, फिर पावर है और मनी है, ठीक है। अब मनी के मामले में क्या कंजूस हो, जिसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, मिसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसर्स बोलते हैं, इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हॉबीज, मिसर्स, एडिक्शन, पावर और मनी, हो गया आपका काम तमाम, ठीक है, ये भी चीजें क्लियर हो गई। अब क्रिटिसिज्म आपको बहुत कम देखने मिलता है, अगर लर्न करना है तो कर लो, नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। सबसे पहले क्या, चार ही
एक्चुअली हाँ पांच है, पहला सिंगल वॉन्ट है, फिर क्या कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पहला सिंगल वॉन्ट फिर कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इंडिविजिबल गुड, कार्डिनल मेजरमेंट ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, पहला क्या अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, फिर कार्डिनल मेजरमेंट है, इंडिविजिबल गुड्स है, फिर कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, और सिंगल वॉन्ट। याद करो पांच बार रिपीट करो तो आपको याद होता है कि नहीं याद होता है, आपको याद हो जाएगा, इतना चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यूजफुलनेस टू, अब यूजफुलनेस टू सेम सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे याद करो, पहला कंज्यूमर है, कंज्यूमर किसके वजह से है, गवर्नमेंट के वजह से कंज्यूमर है, फिर गवर्नमेंट है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर से पैसा लिया किसको देने का, गवर्नमेंट को देने का, लिख दिया। फिर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू आता है, अब मेरे इसमें वैल्यू आती है, क्या आती है, वैल्यू आ जाती है, फिर डिमांड बढ़ता है, याद करो, कंज्यूमर आया, फिर कौन आया, गवर्नमेंट आया, फिर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू आई मेरी, फिर डिमांड आया, क्या कंज्यूमर है, फिर क्या है आपका गवर्नमेंट है, फिर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, खत्म, चीज खत्म। देखो चैप्टर बहुत इजी है, आराम से, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन वीडियो लगा देना दोस्त, ठीक है, इसका लगा दोगे ना, वन शॉट भी है ना इसका अपना, तो वन शॉट भी लगा दो, ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी देखना है तो इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो है नीचे, आप देख सकते हो, वहां पे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पूरा जो चैप्टर है आपको मैं बताऊँ तो अगर आप लर्न करना चाहोगे तो लर्न आप इजिली 10 से 15 मिनट में इजिली क्या कर सकते हो, ये तरीका फॉलो करके, वीडियो पॉज करो, लर्न करो, आधे घंटे में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पर सुरक्षित हो, अपना ध्यान जरूर रखना, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। तो मिलेगा हमारे अगले वीडियो में दोस्तों।